नाम फूलवती बाई है, ग्राम झांकी की रहने वाली हूँ। माँ सरस्वती समूह का सचिव हूँ मैं, और संकुल समनापुर है, डिंडोरी जिला है। मोर नाम शामकली बाई है, ग्राम झांकी माल में रहती हूँ। माँ सरस्वती स्वसहायता समूह में अध्यक्ष हूँ और संकुल समनापुर जिला डिंडोरी। आज मैं बीज उपचार के बारे में बता रहे हैं। सब देखो और सुनो और करो भी। राम राम दीदी। राम राम जा। कैसे आए हस गा? कैसे भाई, लड़का गिर रहा है कहाँ है? तो ओकर पाँव वाँव अच्छा है इसका? नहीं है, नहीं है यार, थोड़ी थोड़ी सूजन उतरी से, सुई उई लगवा रहा था। हाँ तो तनको अच्छा है का नहीं है? थोड़ी अच्छा है, लेकिन अस्पताल ले जाऊँ है बोला एक्सरे के लायक। हाँ भाई, एक्सरे करवाना जरूरी है। जरूरी है यार, ले जाऊँ कल से करवा के, अब आज तो नहीं जा पाऊँ। कैसे दीदी, धान आन निकाल के बैठे हैं, पूरे सामान निकाल के बैठे हैं, काहे कर भी तब आए? जब भी उपचार खिलाने वाले धान छाट। कैसे कैसे बनाते हैं दीदी, ये बनाए के मुँह लो बता दे। ये ला कैसे बनाते हैं तेला मैं बताऊँ तोला? ठीक है, ता सामान पूरे इकट्ठा कर ला। हाँ एक एकड़ के लिए 2 किलो धान के बीज, 1 किलो नमक, ये आधा बाल्टी पानी, 1 मुर्गी का अंडा और बीज अमृत। देख भाई, ये अंडा सही है या गलत है, इला पानी में डुबाई के देखते हैं। दीदी ये अंडा तो डूब गए। सही है, निकाल ले। बाल्टी के पानी में अब नमक डालबो है, इतना नमक डालबो कि अंडा ऊपर आ जाए। हाँ। पानी में घोल बनाए ले भाई, ये ला नमक ला। हाँ। अंडा पैरन लगी, एक हर मतलब हमारी यह घोल सही बन गया। अब धान ला डालने से पहले यह अंडा ला निकाल ले। यह घोल में यह धान ला डाल रहे हैं। ये सही धान नीचे बैठ गई से और ये बदरा ऊपर है गई से, ये ला दोनों ला अलग अलग कर। ये बदरा वाले धान अलग कर देना और सही वाले नीचे है, इसको भी निकाल के और साफ पानी से धुलने हैं। ये धान ला हम साफ पानी में डाल दिए। ये सुतली वाले बोरे में ये साफ धान ला रखबो और सुखाबो। बोल दा रे।
साफ पानी में धुले हरा धान ला हम छाम आए एक घंटा तक सुखा रहे हैं। यह धान ला निकाल के और छाए में एक घंटा रख के सुखवाए पड़ी ओखर बाद बीज अमृत मिलावो। दीदी ये बीज अमृत कौन सा चीज होता है मोहू लो बता दे। बीज अमृत बीज उपचार करने की जैविक दवा है। दीदी साफ पानी में धान ला धुलने के बाद कब मिलावी बीज अमृत ला? यह धान ला साफ पानी में तीन बार धोई के बीज अमृत ला मिलावो। चला रे एक घंटा है गया धान सुखा गए हुई अब उमा बीज अमृत मिला दई। दीदी एला हम दोनों हाथ ले बराबर मिला ले। एला अब हम आधा घंटा फिर छामा सुखाबो। दीदी ये सब कुछ करने से कौन सा लाभ है मोहूल बता। दीदी बीज उपचार करने के कई फायदे हैं। पहला वह सही बीज नर्सरी में डाल थान और बदरा वाले अलग निकाल दे थान। दूसरा फायदा बीज उपचार करने से कीड़ा मकोड़ा नहीं लगे। तीसरा फायदा दीदी एक हर उपचार करने से पैदावार बढ़ते। दीदी ये तय बता है तेल मैं सब कुछ समझ गया तो ला बार बार धन्यवाद। और यह बात ला मैं भी करूँ और फिर सब कोई ले जाए की भी बताऊँ। धन्यवाद भाई।